क्या ख्याल है पप्पू, तुम्हारे को क्या हुआ भाई? ऐसा लंबा मुंह निकाले के बैठे हुए हैं, क्या हो गया, क्या किस्सा है? आपको बबली के लिए मेरा रिश्ता लेके जाना चाहिए। बबली, ये कौन सी नई कहानी लाए भाई? बबली, और अगर आप फौरन ना गई तो बशारत खालू बबली का रिश्ता कासिम के साथ कर देंगे। कर देंगे नहीं, उन्होंने पहले ही कासिम के लिए हाँ कर दिए। रुकिया भूपी को मालूम है तुम्हारे को, ये कौन से नए नए बातें लेके आ रहे तुम लोग? हाँ ही किया ना, मैं शादी तो नहीं की ना। तुम कैसे बातें कर रहे हैं? तुम हमेशा सुने कि मेरे को हैदराबादी बहू चाहिए, तुम एक नया टंटना लेके आ गए हैं ये। क्यों? बबली आपको अच्छी नहीं लगती, बताएं आप मुझे। ये बात नहीं है, बबली अच्छी है, मेरे से बहुत इज्जत से बात करती, उन्हें ही अच्छी है एक सब में। मगर पप्पू, क्या बोलेंगे हमारे खानदान वाले, तुमको हैदराबादी बहू लाने का है, बता दी मैं। मम्मी, आजकल इन रवायात पर कोई अमल नहीं करता। अच्छी लड़की है बबली, आप सिर्फ इस वजह से कह रही हैं क्योंकि वो हैदराबादी नहीं है। हाँ, एक वजह तो ये है, मगर दूसरी बात ये है कि रुखैया फूफी से कौन मुंह लगेगा, उन्हें खयामत ढा देंगी अगर हम लोग आप रिश्ता लेके गए तो। तुम पहले बोलना नहीं था, पहले बोलते तो मैं जाती थी, 100 दफा जाती थी तुम्हारी खातिर। पप्पू, ये बबली का ख्याल दिल से निकाल दो, ये खत्म करो, भाई का एक खुशी चल रही घर में, इसमें हिस्सा लो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, समझे तुम? मैं आपको एक बात बता दूं, बबली की शादी अगर कासिम से हो गई ना तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगा, बता रहा हूं आपको। दीवाना हो गया है पट्टा, और कुछ नहीं, वो जवानी का जोर है इन लोगों पे। अब ये सारा मैं ही समेटूं।